पढ़ने लिखने और खेलने कूदने के दिन है। आप मुझे पढ़ाई करने क्यों नहीं देते? तेरी गलती है कि तू एक लड़की है, लड़का होती तो तू क्या बापू, लड़का होती तो क्या? लड़की ज्यादा जवान नहीं चला, लेकिन सारी उम्र जाती बड़ी बोझ बन करना है। अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की है, मुझे पढ़ लेकर डॉक्टर बनना है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो मेरी गीता होगा काम दबाव करके ही छोड़ूंगा। नहीं सर, ये कॉपी की तरह ना सिर्फ छोटों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। पर बापू मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ, लड़का और लड़की तो हमारे दोनों आँखों के समान होते हैं। चुप कर आनंदी, और यह एहसान मान कि अपना घसीटा है तू, कहीं बचपन में गला दबा कर मार दिया होता तो यह तेरी बकबक नहीं सुननी पड़ती आज। पर बापू मुझे तुम्हारा अच्छा ना लगे है। देख छोरी, जितना चलती हो तू चूल्हा चलाना सीख ले, उतना ही अच्छा है तेरे लिए। और हाँ, तेरा ब्याह तो होगा, वो भी कल के कल। अपना जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मुझे माफ कर दे बेटी, तेरे बापू के जिद के आगे मेरी एक न चलेगी। माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। इस प्रकार मात्र 9 वर्ष की छोटी उम्र में आनंदी का विवाह गोपाल राव जोशी से हो गया। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है और इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा आनंदी को। 5 वर्ष बाद आनंदी 14 साल की हो गई है, उसके घर एक शिशु ने जन्म लिया है। देखते हैं आगे क्या क्या हो गया है। इसका माता तो बीमार की तरह तप रहा है, इसे तो बहुत तेज बुखार है। आप बिना कुछ भी बोलते हैं, नीचे मुझे माताओ माताओ जल्दी से वैद्य जी को मना खिलाओ। जी अभी मना दिलाता। ये तुम क्या कर रही हो आनंदी? भगवान की विभूति लगा रही हो। बस करो आनंदी, ये सब अंधविश्वास है। अरे आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा अब ठंडा हो रहा है और बुखार भी हो जा गया है, है ना बाबू? देखिए दीजिए मुझे। उठो बाबू, आंखें खोलो, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। आंखें खोलो, देखिए ना इसे क्या हो गया है, आंखें भी नहीं खोल रहा। आंखें खोलो बेटा, आप चुप क्यों है? आनंदी हमारा बेटा कभी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बेटे को मुझे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। पागल मत बनो आनंदी। माधव आनंदी बंद करो ये पागल पर। भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया। भगवान ने नहीं, तुम्हारी अशिक्षा और अंधविश्वास ने तुम्हारा बच्चा छीना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा शिशु जीवित होगा। तुम अनपढ़ थी आनंदी, अनपढ़। नहीं अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी। मैं अनपढ़, मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी और आनंदी को इलाज के अभाव में अपना बच्चा ना खोना पड़े। शाबाश आनंदी, और यही तुम्हारा अपराध के लिए प्रायश्चित भी है। आनंदी तुम्हारी 12वीं का परिणाम आ गया है, तुमने पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान।
किया। तुम्हारी मेहनत रंग लाई है, तुम्हें शिक्षा वृत्ति मिली है, ये लो तुम्हारे अमेरिका जाने की टिकट। मुझे शिक्षा वृत्ति मिल गई, मैं अमेरिका जा रही हूँ, पर ये सब मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? बीबी, अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रही हो? फिर इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम अभी गवार की गवार नहीं हो ना आप गवार। तालिया सभी लोग एक बार बताओ। मेरी काकी पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हुई और 3 साल बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। इधर आनंदी के पिता की तबीयत बहुत खराब है, आगे क्या होता है देखते हैं। लगता है अब मेरे जाने का समय आ चुका है। तो मैं नहीं बचूंगा। ऐसा मत बोलो, शहर के सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से डिग्री लेकर कोई बड़ा डॉक्टर आया है, एक बार वहाँ चलकर दिखा लेते हैं। हाँ सही बोला भैया, कम से कम देखो तसल्ली तो मिल जाएगी। हाँ हाँ चलो चलो जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। इस मरीज की हालत तो बहुत ही खराब है। कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है।